हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम सांची स्थित स्तूप के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत होंगे, जो आर्ट एंड कल्चर की दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। सांची भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है। यह भोपाल से 46 किलोमीटर पूर्वोत्तर में तथा बेसनगर और विदिशा से 10 किलोमीटर की दूरी पर मध्य प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ कई बौद्ध स्मारक हैं जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी ईसा के बीच में निर्मित हुए हैं। सांची रायसेन जिले की एक नगर पंचायत है। रायसेन जिले में एक अन्य विश्व पर्यटक स्थल भीमबेटका भी है। विदिशा से नज़दीक होने के कारण लोगों को यह भ्रम होता है कि यह विदिशा जिले में ही है। यहाँ छोटे बड़े अनेक स्तूप हैं, जिसमें से आज हम सांची स्तूप के बारे में जानेंगे। सांची स्तूप बौद्ध स्मारकों के कारण विश्व में प्रसिद्ध है। वर्ष 1989 में यूनेस्को ने बौद्ध स्तूपों को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अपनाया। विहार के विशाल स्तूप को सम्राट अशोक के द्वारा ईसा पूर्व 3री सदी में उद्घाटित किया गया था। इसी कारण से इसे भारत में पत्थर के बने स्मारकों में सबसे पुराना भी माना जाता है। स्तूप के केंद्र में बुद्ध के अवशेष और छत्रक जैसा छत है, जो स्मारक की तुलना में अवशेषों के उच्च स्थान का घोटक है। ईसा पूर्व 1ली सदी के बाद में एक वेदिका और 4 अलंकृत नक्काशीदार तोरणों को संरचना में जोड़ा गया। यह मान्यता है कि अशोक की पत्नी देवी ने इस स्तूप के निर्माण के लिए यह स्थान चुना, क्योंकि यह उसकी जन्मभूमि थी और सम्राट के साथ उसके विवाह का स्थल भी था। ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें शुंग और सप्तवाहक काल के अवशेष और विस्तार मिलते हैं, जो हमें इतिहास के परिवर्तन को समझाने में सहायक है। भवन के परिसर में अशोक के शिलालेख पथ धर्मादेश वाला एक खंभा है। इसके अतिरिक्त वहाँ गुप्तकाल का भी एक अत्यधिक सुलेखित शिलाखंड है, जो संख लिपि में है। अंग्रेजों ने स्मारक की पुनः खोज की और सर जॉन मार्शल ने 1919 में इसे पुनर्जीवित किया। थैंक्स वीडियो देखने के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।